हाय फ्रेंड, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं AMR अंसारी। फ्रेंड, ये ओप्पो E37F मोबाइल है। इसमें वाइब्रेटर का प्रॉब्लम है। देखते हैं कि इसके वाइब्रेटर में प्रॉब्लम है या इसके बेल्ट में या बोर्ड में। चलिए फटाफट इसके बोर्ड को पहले रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद इसको चेक करेंगे कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए फ्रेंड, इसका बोर्ड रिमूव हो गया है। अब रिमूव होने के बाद इसको चेक करेंगे कि वाइब्रेटर की सप्लाई में प्रॉब्लम है बोर्ड के या इसके बेल्ट में प्रॉब्लम है। फ्रेंड, ये बोर्ड को हम पहले से चेक कर लिए, इसके बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इसके बेल्ट में प्रॉब्लम हो। चलिए तब तक इसको मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे कि इसका कनेक्शन सही है या नहीं। देखिए फ्रेंड, बेल्ट में कनेक्शन इसका सही बता रहा है। ये कनेक्शन बिल्कुल ओके है। देखिए बेल्ट के बाहर साइड से आपको गिनती करना है। छठा और सातवां पॉइंट है इसका। छठा पॉइंट माइनस है और सातवां प्लस है। देखिए फ्रेंड, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट इसका माइनस है और कौन सा पॉइंट इसका प्लस है। देखिए फ्रेंड, छठा पॉइंट माइनस है और सातवां पॉइंट इसका प्लस है और ये दोनों सही है फ्रेंड। अब इसके बोर्ड में हम आपको बोर्ड को हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट इसका प्लस है और कौन सा पॉइंट इसका माइनस है। इसमें हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, इसका भी छठा पॉइंट माइनस है और सातवां पॉइंट प्लस है। देखिए फ्रेंड, ये दोनों बोर्ड और बेल्ट दोनों सही है। इसके वाइब्रेटर मोटर में प्रॉब्लम है। चलिए इसको तब तक हम बोर्ड को इसके हाउजिंग में लगा देते हैं। लगाने के बाद इसके वाइब्रेटर मोटर को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद देखिए फ्रेंड, इसको हम एक बार वाइब्रेटर सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। देखिए फ्रेंड, वाइब्रेटर सप्लाई इसका बिल्कुल सही है। अब ये कंफर्म हो गया कि इसका वाइब्रेटर मोटर ख़राब है। देखिए फ्रेंड, चलिए इसके वाइब्रेटर को हम बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसमें दूसरा वाइब्रेटर मोटर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, इसको थोड़ा आसानी से निकालिएगा, ये चिपका होता है और ज़्यादा जोर लगाएंगे तो इसका बेल्ट निकल सकता है। देखिए फ्रेंड, इसका वाइब्रेटर मोटर रिमूव हो गया है। अब इसमें दूसरा वाइब्रेटर मोटर लगाएंगे और लगाने के बाद इसको चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं।
देखिए फ्रेंड, इसमें वाइब्रेटर मोटर दूसरा लगा दिए हैं। अब इसको फटाफट इसका फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद इसको चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, इसकी बैटरी भी लगा दी। अब लगाने के बाद इसको ऑन करके चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, वाइब्रेटर को देखना है कि जब मोबाइल ऑन होगा तो वाइब्रेटर हिलेगा। देखिए फ्रेंड, देखिए 100% वाइब्रेटर काम कर रहा है फ्रेंड। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड।